हेलो वीवर्स वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बीजी सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर बाटर सिस्टम सो so बाटर सिस्टम हम इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से करने वाले हैं बाटर सिस्टम क्या होता है क्या उसकी लिमिटेशंस होती हैं और क्या एग्जैक्टली exactly बाटर सिस्टम होता है उसके बारे में सारी चीज़ें सो बेसिकली वट डू यू मीन बाय बाटर सिस्टम सो गाइज बाटर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड इंशियट टाइम में हमारे पास किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास मनी नहीं होता था वी कैन जस्ट यूज़ द गुड्स हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स से एक्सचेंज करने के लिए हमें गुड्स को ही यूज़ करना पड़ता था वो एक्जैक्टली बाटर सिस्टम होता है क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर कोई सोर्स नहीं था जिससे यू कैन एक्सप्लेन आई एम गन एक्सप्लेन यू विद हेल्प ऑफ दिस डाइग्राम जैसे कि हमारे पास ये है तो ये रेड कलर वाला है ये जो है उसे वो पेंट दे रहा है और जो ग्रीन वाला है ये क्या कर रहा है ये इसे एप्पल दे रहा है मतलब पेंट के बदले एप्पल दे रहा है ठीक है तो मतलब इस तरह से एक्सचेंज होता था लाइक वीट के बदले आप शूज दे रहे हो आप किसी भी चीज के थ्रू किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करते थे कोई भी टू चीज़ को एक, आपको करने के एक्सचेंज आपको क्या करना था आपको गुड्स ही देने पड़ते थे बिकॉज उस टाइम पे मनी तो होता नहीं था सो ठीक है सो बेसिकली इसके लिमिटेशन क्या होते थे जब भी हमारी कोई चीज होती है ऑलवेज उसके लिमिटेशन होते हैं सो वट आर द लिमिटेशन ऑफ बाटर सिस्टम तो द वेरियस लिमिटेशन ऑफ बाटर सिस्टम आर फर्स्ट फर्स्ट लिमिटेशन आपका है इट रिक्वायर डबल कोइंसिडेंट्स ऑफ वांट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सो इसका एग्जैक्टली exactly आपको पहले इसको पढ़ने से पहले कि एग्जैक्टली exactly क्या होता है ये जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है इसको आप सबसे पहले हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ आएगा राम कैन एक्सचेंज गुड्स विद शाम ओनली वेन राम वॉन्ट्स राम हैज वर्ट शाम वॉन्ट्स एंड शाम हैज वर्ट राम वॉन्ट्स मतलब राम और शाम दो लोग हैं ठीक है सो राम जो है उसे अगर कोई भी चीज़ एक्सचेंज करनी है शाम से तो राम के पास वो चीज़ होनी चाहिए चीज मान लो शाम है शाम को चाहिए वीट उसे भी वीट की रिक्वायरमेंट है और राम के पास शूज़ है तो फिर वो क्या बोलता था कि मुझे वीट जब भी चाहिए आपको दोनों के पास रिक्वायरमेंट वही होनी चाहिए रिक्वायरमेंट मैच करनी चाहिए जैसे कि राम को चाहिए शूज़ और शाम को चाहिए वीट तो तो ही वो एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और बाटर सिस्टम कर सकते हैं अदरवाइज़ वो किसी और लोगों को ढूंढेंगे जाके उनके साथ जाके वो करेंगे बाटर सिस्टम सो so, बस इस फर्स्ट पॉइंट में आपको इतना बताया गया है कि आपको कॉमन पीपल मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट अगर किसी को पेंट चाहिए जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल बताया था अगर किसी को पेंट चाहिए और किसी को एप्पल चाहिए ऐसे ही दो लोग होने चाहिए और उन को रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए अगर जो ग्रीन वाला मैन है उसको अगर पेंट नहीं चाहिए या फिर रेड वाले को एप्पल नहीं चाहिए तो ये दोनों ट्रांस बाटर सिस्टम नहीं कर सकते सो so, बहुत डिफिकल्ट होता था नेक्स्ट लिमिटेशन ये है इट लैक्स अ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज सो हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इफ़ राम हैज़ वीट एंड शाम हैज़ राइस अगर राम के पास वीट है और शाम के पास राइस है सो so ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि कितनी क्वान्टिटी के लिए कितना दें जैसे कितना वीट के लिए कितने राइस दीजिए ठीक है so, सो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमें कितने वीट के लिए कितनी चीज़ें देनी है ये आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ठीक है तो मतलब मतलब जैसे आप दे रहे हो किसी को आप दे रहे हो शूज़ दे रहे हो और वो आपको वीट दे रहे हैं तो अब कैसे क्वांटिटी मैच करें क्योंकि शूज़ का तो वन पेयर होगा और वीट आप कितने दोगे उस वन पेयर ऑफ़ शूज़ के लिए आप कितना वीट दोगे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट सो हम उसके कॉमन यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थर्ड और फोर्थ लिमिटेशन अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लिमिटेशन इज़ इट लैक्स स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट द बरोवर मे एबल टू एक्सचेंज गुड्स ठीक है इससे हमारी ना हमें एग्जैक्टली पेमेंट का कुछ समझ नहीं आता बेसिकली इसमें कोई पेमेंट वगैरह तो होती नहीं है जैसे कि आज के टाइम पे हम क्या करते हैं अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है हम उनको मनी देते हैं और वो चीज़ लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं बट बात, बाटर सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट होता था ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कि किस तरह से हम उसी सेम पर्सन को ढूंढें जिसको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है अगर किसी को वीट चाहिए तो वो उस सेम पर्सन को ढूंढेगा जिसे शूज चाहिए ठीक है हम उसको टू से लेंगे और शूज से देंगे सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फोर्थ लिमिटेशन है इट लैक्स द सिस्टम ऑफ स्टोरेज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल्स टू स्टोर वेन विच डू नॉट पोसिस ड्यूरेबिलिटी लाइक इस पॉइंट का एग्जैक्टली exactly यही मतलब है कि गाइस जैसे कि अगर आप देंगे जैसे कि जैसे कि एक है राम एक है शाम राम जो है उसको वन पेयर ऑफ शूज है उसके पास और शाम के पास है मिल्क अगर जो राम है वो वन पेयर ऑफ शूज़ शाम को दे देगा और इन रिटर्न शाम उसे मिल्क दे देगा तो क्या होगा वो ड्यूरेबिलिटी खराब हो जाएगी ड्यूरेबिलिटी से आपका ये मतलब है अगर मिल्क है मिल्क तो खराब होने वाली चीज़ है ना बिकॉज मिल्क को आप इतने दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते कि आप उसको बहुत दिन तक स्टोर रखेंगे तो उसकी क्या होगी उसके वो श्... मिल्क जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है एक या दो दिन में वो ख़राब हो जाएगा और हम उसको शूज दे रहे हैं तो फिर उसके हम जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स उसके एग्जाम्पल में हम ये लिख सकते हैं वेजिटेबल्स हो गए फ्रूट्स हो गए मिल्क हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो लंबे समय तक नहीं रह सकती सो so, वाइस इस तरह से ये हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं बाटर सिस्टम की और अब इस एग्जाम्पल के थ्रू तो आई होप आपको अच्छी समझ आई गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली exactly बाटर सिस्टम इज़ बाटर सिस्टम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है बाटर सिस्टम इज़ वेरी ईजी थिंग यू कैन अंडरस्टैंड आई होप you understand the meaning of barter system and limitations of barter system if you want to